हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षता व्लॉग्स। आज हम आपको बिहार की एक स्पेशल डिश बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है ठेकुआ। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, वो है आटा 250 ग्राम लिया हुआ है हमने। ये है गुड़ जो हमने गर्म पानी में उसे मिला लिया है, ये है लगभग 150 ग्राम, और ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमने खास करके नारियल का प्रयोग किया है। इस ठेकुआ में आपको नारियल का प्रयोग करना आवश्यक है, बाकी जो आपने हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो आप ना भी लें तो चलेगा। अगर आप और भी अपने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और ये हमने लिया है प्योर देसी घी जो है 50 ग्राम। अब हम अपनी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हमने अपने आटे में घी डाल लिया है और अब हम इसे मिलाएंगे। हमने अपने पूरे घी को इसमें मिला लिया है। देसी घी मिलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अपना गुड़ का जो हमने लिक्विड फॉर्म बनाया है गर्म पानी में मिक्स करके उसे हम मिलाएंगे। देखिए, अब हमने पूरी तरह अपने इस आटे को तैयार कर लिया है। अब इसमें हम अपने सारे नारियल और बादाम के ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमारा आटा जो तैयार हो गया है, तब तक हमने अपना यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तब तक हमारा तेल गरम होगा, हम अपने ठेकुओ को बना लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार आप इतना छोटा सा गोला लेंगे, उसे इस प्रकार बना लें। आपके पास अगर सांचा है तो सांचे से आप कर सकते हैं अपने उसको, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम इसको अपने कांटे का प्रयोग कर रहे हैं। और कोई भी आप जो बनाना चाहते हैं वो इसमें बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आप पैटर्न जो भी इस पर बनाना चाहते हैं आप इस पर बना सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम अपने सारे ठेकुओं को बना लेंगे और फिर हम इसे तलेंगे। आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे ठेकुओं को तैयार कर लिया है अच्छे से, अब हमारे बन गए हैं। और यहाँ पे हमने अपना तेल चढ़ाया था, वो भी अब वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका होगा। अब हम उसे फ्राई करेंगे। या ध्यान रखिएगा आप, इसे हम स्लो गैस पर ही पकाएंगे, तभी ये एकदम कुरकुरे और एकदम अच्छे बनेंगे, अंदर तक पूरा अच्छे से पक पाएंगे, इसलिए हम इसे स्लो पर पकाते हैं। देखिए, अब हमारे ठेकुए तल चुके हैं। अब हम इन्हें अपनी ट्रे में निकाल लेंगे और इसे हम टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा इस पर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, हमारे सारे ठेकुए तैयार हो गए हैं और हमने इन्हें सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।